तो हेलो डे वाले, तो आज की वीडियो में बेसिकली बताने वाले हैं कि हम तो आप लो डिवाइस में कैसे गेम प्ले कर सकते हैं, बेसिकली 1, 2, 3 फोन में, इन्हीं फोन में लैग होता है, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में 5 स्टेप बताएंगे और 5 स्टेप आप फॉलो करें कि वो यूजफुल है, ठीक है। आज की वीडियो में हम बेसिकली सबसे यूनिकनेस आज की वीडियो में बताने वाले हैं, और ये 100% इसी की वजह से आपका गेम लैग एंड हैंग एंड आउट ऑफ बैक होता है, ठीक है। यही 5 जो चीज़ें हैं गलतियां करते हैं, और ये 5 स्टेप है जो सुधारना नहीं है, आपको करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपके फ़ोन में जितने फालतू एप्लीकेशन है, यानी कि जो यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें आपको डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है, और जितने यूजलेस ऐप है जो आप यूज़ करते हैं, तो ठीक है, उन्हें आपको क्या करना है, फ्रीजर में डाल देना है। फ्रीजर मोड होता है आपके फ़ोन में, उसमें डाल देना है। आपके फ़ोन में फ्रीजर नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाएँ, उसमें लिखे फ्रीजर, और फ्रीजर लिखे सर्च करें, और टॉप पे जो एप्लीकेशन आई उन्हें इंस्टॉल करके उसको फ्रीजर डाल देना। बेसिकली फ्रीजर का मतलब ये होता है कि कोई आपको फ्रीज कर देना, फ्रीज कर देता है। आपके फ़ोन में हो या ना हो कोई उससे मतलब नहीं रहता, और रैम और जो स्टोरेज है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। स्टोरेज भी नहीं गया था, क्योंकि आप जब यूज करना चाहें उस फ्रीजर में जाएं, उसके बाद क्लिक कर एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, या फिर अनफ्रीज करके यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर टू यह है कि आपको हमेशा क्लियर डाटा करते रहना है, लगभग 6 दिन या फिर 7 दिन, ठीक है। वो आपके खेलने पर डिपेंड करता है, आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो आप 4 दिन के अंदर करें, या फिर 2-3 घंटे खेलते हैं तो आप 7 दिन पे करें, हर हफ्ते आपको करना है। आज मंडे है तो संडे के दिन आपको कर देना है क्लियर डाटा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 यह है भाई लोग, कि आप हमेशा जो होता है कॉस्ट्यूम पैक डाउनलोड करके खेलते हैं, उन्हें नहीं करना है, आपको उसे डिलीट कर देना है हमेशा। आपके फ़ोन में 2 GB रैम है तो आप एक शर्ट एंड एक पैंट डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी सारा इमोट जो भी है गन स्किन नहीं डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। बेसिकली 1 GB रैम फ़ोन है आपको, मैं बेसिकली आपको लो डिवाइस पे ही बताने वाला हूँ पूरा वेस्ट जो ये वीडियो है। आपको जो है कस्टम पैक डिलीट कर देना है, बिल्कुल बोट वाले कपड़े पे खेलना है आपको। स्टेप नंबर 4 ये है भाई लोग, कि आपको हमेशा सोलो खेलना है, वो भी क्लासिक, ठीक है। ऐसे करने से आपका जो होता है कि गेम जो लैग बिल्कुल नहीं करता क्लासिक में, और बोट आते हैं तो उनमें आप अच्छे से खेल भी सकते हैं, और आपका जो है नेटवर्क भी सही रहता है। तो आप जब भी डुओ खेले तो आप माइक एंड स्पीकर को बंद कर दें, स्क्वाड तो खेले ही ना मैं बोलूं, अगर खेलते भी हैं बाई चांस तो आप उसमें माइक एंड स्पीकर दोनों को बंद करके खेलें। पांचवा स्टेप यह है कि आप फ्री फायर मैक्स खेलते होंगे, ऑब्वियसली बात है भाई, फ्री फायर तो मैक्स खेलना ही पड़ता है, क्योंकि आप फ्री फायर तो बैन हो चुका है, बेसिकली फ्री फायर बैन हो चुका है। लेकिन हम आपको मैं बताऊं कि फ्री फायर जो मैक्स है 500+ है MB, और फ्री फायर मैक्स है जो 400+ MB का पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि फ्री फायर मैक्स जो है हाई डिवाइस के लिए बना है, 4, 6, 7 जो भी रैम आते हैं और उन फ़ोनों के लिए बना है फ्री फायर मैक्स, और फ्री फायर जो है वो लो डिवाइस के लिए बना है। तो आप फ्री फायर जब खेलेंगे तो आपके फ़ोन में अच्छे से वर्क करेगा फ्री फायर, और कितने भाई लोग हैं तो फ्री फायर मैक्स उनके फ़ोन में इंस्टॉल भी नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो उनमें फ्री फायर मजबूरन खेलना होता है, और उनके वजह से वो गेम भी छोड़ती है। जी हाँ, आपको मैं बताऊं कि आपको फ्री फायर खेलना है, उससे क्या होगा कि आपका फ़ोन जो है स्मूथ चलेगा, आपका फ़ोन जो स्मूथ चलेगा गेम आपके फ़ोन में, तो उससे आपका गेम प्ले भी इम्प्रूव होगा। तो गाइस लोग आप बोलेंगे फ्री फायर कैसे इंस्टॉल करें, तो मैं इसके लिए बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ फ्री फायर कैसे इंस्टॉल करें। अब सब एक ही टॉपिक होता है, आप कोई भी टॉपिक उठा के मेरा एक वीडियो देख ले, उससे 100% आपका इंस्टॉल होगा, क्योंकि जेन्युइन तरीका है, ठीक है। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों में, उसे जरूर इंस्टॉल करें फ्री फायर को, ताकि आपका जो गेम है बहुत स्मूथ चले। बस आज की वीडियो में 5 स्टेप था, 5 स्टेप मैंने बता दिया, फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ। पहला स्टेप में हमें ये करना था, जितने फालतू एप्लीकेशन उन्हें डिलीट कर देना था, और जो इंपॉर्टेंट ऐप है उन्हें फ्रीजर में डालना था। दूसरा स्टेप ये करना था हमें, कि हमें हमेशा कॉस्ट्यूम पैक को डिलीट कर देना था, कॉस्ट्यूम पैक जो होता है फालतू जो है कॉस्ट्यूम पैक होता है उन्हें डिलीट कर देना। तीसरा स्टेप यह था, जब भी हम स्क्वाड में खेले, ठीक है, जब भी स्क्वाड में हम खेले, ठीक है, स्क्वाड मैच बिल्कुल ना खेले, हमेशा सोलो खेलने की ट्राई करें। चौथा स्टेप ये था हमारा, कि हमें फ्री फायर को हर हफ्ते क्लियर डाटा करते रहना है। पांचवा स्टेप ये था हमारा, फ्री फायर डाउनलोड कर, ठीक है। तो ये 5 स्टेप है गाइस, इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगा, तो इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना भाई लोग, और मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप मेरे फैमिली बने, और मैं लो डिवाइस के प्लेयर के लिए बहुत हेल्प करता हूँ, और मैं फ्री फायर रिलेटेड और गेमिंग रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ आपके हेल्प के रिलेटेड, ताकि आपका हेल्प हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं।
किसी अगले वीडियो में। सबके लिए जय हिंद और जय भारत।